एपोसाइनम केनेबियम कॉमन नेम इंडियन हेम्प फैमिली एपोसाइनिस एक्सक्रीशंस डिमिनिज स्पेशली यूरिन एंड स्वेट जो एक्सक्रीशंस हैं वो कम हो जाते हैं डिमिनिश हो जाते हैं स्पेशली यूरन एंड स्वेट ड्रॉपसी ऑफ सीरस मेम्ब्रेन ड्रॉपसी मैंने ईडिमा फ्लूड भर जाना उसमें सीरियस मेम्ब्रेन्स कौन सी होती हैं जनरली ये फ्लूड फील्ड मेम्ब्रेंस होती हैं दो लेयर्स पाई जाती हैं इनमें पेराइटल एंड विसरल एग्जाम्पल्स में जैसे प्लूरल मेम्ब्रेन है पेरिकार्डियल कार्डियल मेम्ब्रेन है या फिर पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है जहाँ पर पेराइटल और विसरल लेयर पाई जाती है और बीच में फ्लूइड फिल्ड होता है सो so, ड्रॉपसी का मतलब क्या है वहाँ पे जो फ्लूइड है वो बढ़ जाता है एक्यूट इन्फ्लामेट्री तो ऐसी कंडीशन एक्यूट होती है इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है ड्रॉपसी विथ थर्स्ट ड्रॉपसी मैंने ईडिमा स्वेलिंग थर्स्ट के साथ होती है ऐसा ही एसिटिक एसिड में भी देखने को मिलता है वाटर डिसैगरीज और इज वॉमिटेड पानी डिसैगरी होता है पानी पसंद नहीं होता है या फिर पानी पीता है तो वॉमिटिंग हो जाती है आर्सनिक में ऐसे सिम्टम देखने को मिलता है मोस्ट केसेस अनकॉम्प्लिकेटेड विद ऑर्गेनिक डिजीजेस बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें ऑर्गेनिक डिजीजेज हैं लेकिन वो अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं मतलब अभी कॉम्प्लिकेट केस नहीं हुआ है आफ्टर टाइफस टाइफ स्कॉलेटीना सिरोसिसटीना और रैश पड़ के जो फीवर आता है सिरासिस मैंने क्रॉनिक लिवर डैमेज आफ्टर एब्यूज ऑफ क्विनाइन क्विनाइन के एब्यूज uh, के बाद क्वीनाइन को लेने के बाद एक्यूट हाइड्रोसेफेलस मतलब एक्यूट कंडीशन हाइड्रोसिफेलस की हाइड्रोसिफेलस का मतलब वही एक्स्ट्रा फ्लुइड बिल्डअप हो जाना इन द कैविटीज ऑफ ब्रेन ब्रेन की कैविटीज में एक्स्ट्रा फ्लूइड भर जाना विद ओपन सूचर्स यानी बच्चे का ही केस है जिसमें सूचर्स ओपन होते हैं स्ट्यूपर स्ट्यूपर मीन्स स्टेट ऑफ नियर अनकॉन्सियसनेस मतलब लगभग बेहोश होने जैसी स्थिति साइट ऑफ वन आई लॉस्ट एक आँख से जो साइट है वो लॉस्ट हो जाती एक आँख से नहीं दिखता कॉन्स्टेंट एंड वॉल्ट्री मोशन ऑफ वन आर्म एंड वन लेग लगातार वॉल्ट्री मोशन होता है एक आर्म का एक लेग का लेफ्ट आर्म और लेग का होता है तो ब्रायनिया है फोर हेड प्रोजेक्टेड जो फोर हेड है वो प्रोजेक्टेड एपियर होता है प्रोजेक्टेड का मतलब प्रोट्रूडिंग फोर हेड फोर हेड स्वेलिंग की वजह से थोड़ा सा आगे निकल आता है प्रोट्रूड करता है एमिनोरिया इन यंग गर्ल्स विद ब्लोटिंग और ड्रॉपिकल एक्सटेंशन ऑफ एंड एक्सट्रीमिटीज अमीनोरिया मीन्स एबसेंस ऑफ मेंसेस यंग गर्ल्स में मेंसेस का ना आना एबसेंस ऑफ मेंसेस इसके साथ साथ ब्लोटिंग होती है स्वेलिंग होती है गैस वैस बनने की वजह से या फिर ड्रॉपसिकल एक्सटेंशन हो सकता है एडिमेटस स्वेलिंग हो सकती है एबडमन में एक्सटेमिटीज में मेट्रोरेजिया मीन्स एबनॉर्मल ब्लीडिंग कंटिन्यूड और पैरोगल फ्लो या तो लगातार फ्लो हो सकता है या फिर सडन अनकंट्रोलेबल फ्लो हो सकता है फ्लुइड और क्लॉटेड जो ब्लड है वो फ्लूड हो सकता है या फिर क्लॉटेड हो सकता है नाउजिया वॉमिटिंग पेल्पिटेशन इसके साथ साथ नाउजिया होता है वामिटिंग होता है पैल्पिटेशन का मतलब नोटिसबल रैपिड स्ट्रांग एंड इरेगुलर हार्ट बीट ये हार्ट हार्ट बीट जो है वो नोटिसबल हो जाता है बहुत ज़्यादा रैपिड होता है स्ट्रॉन्ग होता है इरेगुलर हो जाता है पल्स क्विक फीबल वेन मूवड पल्स जो है वो फास्ट होता है जल्दी जल्दी होता है एंड फीवल मने वीक वेन मूवड जब मूव करता है वाइटल डिप्रेशन फेंटिंग when रेजिंग head from पिलो वाइटल डिप्रेशन का मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वाइटल फोर्स depress हो गया हो फेंटिंग हो जाती है, पर्सन पेशेंट बेहोश हो जाता है जब अपना सर जो है वो पिलो से उठाता है तो उसको फेंटिंग फील होता है इतने ज़्यादा वीकनेस हो जाती है कफ शॉर्ट एंड ट्राई कफ कैसा होता है शॉर्ट जो बार बार आता है ना वो एक बार दो बार बस शॉर्ट होता है शॉर्ट एंड ड्राई और डीप एंड लूज या तो फिर डीप होता है यानी खांसी आई तो फिर आती ही गई बहुत गहरी खांसी आती है एंड लूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सो प्रेगनेंसी के दौरान कफ हो सकता है ऐसे ही कोनियम में देखने को मिलता है रिलेशंस सिमिलर टू एसिटिक एसिड एपिस आर्सेनिक सिंकोना डिजिटलिस एंड ड्रॉपिकल एफेक्शंस तो एपोसाइनम जो है वो एसिटिक एसिड एपिस आर्सेनिकम, सिंकोन और डिजिटेलिस से सिमिलर होता है ड्रॉपसिकल इफेक्शंस में ब्लड ओरियनटेलिस हैज़ क्योर्ड बैड केसेस ऑफ जनरल ड्रॉपसी आफ्टर एपिस एपोसाइनम एंड डिजिटेलिस फेल्ड हाइंस तो हाइंस का ऐसा कहना है कि ब्लाटा ओरियनटेलिस ने बहुत ही बैड केसेस जो जनरल ड्रॉपसी के थे उनको ठीक किया है जब एपिस एपोसाइनम और डिजिटेलिस फेल्ड हो गए Thanks for watching. Like, share the video with your friends. Comment the topics you want me to explain. Subscribe the channel for more videos on homeopathy. And you can also connect with me on Twitter, Facebook, and Instagram. My username is Ckjanv26.